क्षेत्र की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं जिससे यहाँ की जनता अभी भी जूझ रही है? देखिए, मेरे क्षेत्र का मुख्य समस्या बाढ़ है। बाढ़ की वजह से तो हर साल मतलब फसल डूब जाता है, समय से नहीं होता है, समय से कोई किसी का काम होता ही नहीं है। इसलिए अभी तक तो कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे हम लोग उसको देखें। अब आगे में जो है अगर मौका मिला तो हम जनता के बीच में आएंगे, आवाज उठाएंगे, तो सरकार से मांग करेंगे मेरे इलाका को अच्छा से व्यवस्था किया जाए जिससे आगे फसल हो, आगे किसान सुखी बने। आपके क्षेत्र में छह पंचायत कौन कौन से हैं? मेरा जैसे एरिया है, अनवल है, देवरिया है, सौड़ी है, समौता है, और सुखनगर है, और रेवाड़ी है। छह पंचायत से हम लोग चल रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में जिला पार्षद के फंड से क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र? अभी तो हमारे देखने में हुआ है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं। जो चाहिए वैसा नहीं है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी अगर आप चुनाव जीत रहे हैं, और चुनाव जीतने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता? जीतने के बाद मेरा पहला की रहेगा कि बाढ़ की समस्या पर हम आगे बढ़ें, जनता के साथ चलें, जनता का आवाज उठाएं जिससे आगे आने वाले पीढ़ी को रास्ता मिले, विकास का रास्ता मिले। अचानक से चुनाव लड़ने का प्रोग्राम आपने कैसे बनाया? क्योंकि इससे पहले वहाँ पे जो जिला पार्षद के उम्मीदवार हैं और स्थानीय जिला पार्षद भी हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप चुनाव लड़ने का प्लान? अभी तो साल गुजरा है, बाढ़ का पूरा सिचुएशन बहुत ही था, और हम लोग जब आते थे आने जाने में हम लोग को काफ़ी मेरा भी नुकसान हुआ है। हम एक किसान हैं, खेतिहर हैं, तो उसमें हम डिसाइड किए कि क्यों ना हम भी प्रयास करें, अगर मौका मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आवाज उठाएंगे सरकार के सामने। मुद्दा जो है सामने मेन तो कृषि कृषि है। आपका एजेंडा क्या होगा? मेरा एजेंडा होगा फर्स्ट कृषि को प्रेफरेंस दें, जो बाढ़ की समस्या को हल करें, उसके बाद सड़के पर ध्यान दें, और सड़क जब ठीक होगा तो बाजार मतलब लगेगा, बाजार लगेगा तो लड़के पढ़ने के लिए आएंगे, शहर में आएंगे, वहाँ भी व्यवस्था होगा स्कूल में, सुचारू रूप से लड़कियाँ जाएंगी पढ़ने के लिए। अभी तो समस्या 4 महीना बाद आया तो लड़की जाती नहीं है। जो आई जा रही है एक चिट्ठी मुख्यमंत्री साथ में सही योजना, जो कि पूरे बिहार के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना माना जा रहा है, इसको कितना सफल मानते हैं? अभी तो काम चल ही रहा है, सफल देखिए अभी काम लंबा है। मुख्यमंत्री का जो प्लान है बहुत अच्छा है, सराहनीय है, लेकिन अब ये है कि अब कोई भी काम जब विकास का हो रहा है तो उसमें समय लगता है, तो धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है, परिवर्तन लग रहा है, परिवर्तन सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसमें समय लगता है।